हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ. नीयमैन एंड पियर्सन लेमा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसकी स्टेटमेंट है, इफ लेट के इज ग्रेटर देन जीरो एनी कांस्टेंट एंड डब्ल्यू इज अ क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा, सो दैट डब्ल्यू इज डिफाइंड एज एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा जीरो ग्रेटर देन के. जो थीटा वन है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू होएगा हमारा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और थीटा नॉट होएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू नल हाइपोथेसिस. तो उसको L1 उसका फंक्शन मान लिया, इसका फंक्शन L0 मान लिया, ये हमारा W है. तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, लेस देन के. ओके, वेयर L0 L1 आर लाइकलीहुड फंक्शंस ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन अंडर H0 H1. तो यहाँ पे ये शो करना है कि W जो है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मतलब W सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिटिकल रीजन है अगेंस्ट दिस हाइपोथोसिस. ओके, देखते इसके क्या मतलब है. हमें पता है अल्फा होता है क्रिटिकल रीजन जब वो एक्स बिलोंग्स करता है क्रिटिकल रीजन में और एच नॉट मुझे गिवन दिया होता है. तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, एल जीरो. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग टू एच जीरो इट इज अल्फा. सिमिलरली व्हेन वी टेक एच वन, पावर ऑफ बीटा क्या होता है भाई, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रिटिकल रीजन व्हेन एच वन इज गिवन. तो इसमें से वन माइनस कर दो तो वो बन जाएगा एक्स, वो अगर वन माइनस बीटा करोगे तो पावर ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है, वन माइनस बीटा. तो इसका वन माइनस किया तो कॉम्प्लीमेंट का तो डब्ल्यू आ जाएगा. तो इसको हमने लिख लिया है एल वन. ओके, तो ये मेरा वन माइनस बीटा मैंने यहाँ पे लिखा है. अब हमने ये प्रूव करना है भाई कि देर एग्जिस्ट नो अदर क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज लेस देन, हमें बताना कि कोई भी और क्रिटिकल रीजन नहीं आएगा जो अल्फा से छोटा होएगा. ओके, मान लीजिए कि एक अनदर क्रिटिकल रीजन है डब्ल्यू वन जो अल्फा से छोटा है और उसकी पावर कितनी होगी, वन माइनस बीटा वन. देखो पहला क्रिटिकल रीजन था अल्फा, उसकी पावर होगी वन माइनस बीटा. अब मैंने एक और क्रिटिकल रीजन चूज किया जिसकी जिसका साइज है अल्फा वन, वो अल्फा से छोटा है, ठीक है, और उसका पावर होगी वन माइनस बीटा वन. तो उसके लिए डिफाइन कीजिए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, तो ये अल्फा वन हो गया, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन तो वन माइनस बीटा वन, जैसे ऊपर डिफाइन किया गया है. ये अलग क्रिटिकल रीजन के लिए डिफाइन किया गया है. अब आपने शो करना है कि जो पावर है जो हमारे गिवन वाले डब्ल्यू की सबसे ज्यादा है, विच इज मोर पावरफुल देन अदर. तो वन माइनस बीटा इज ग्रेटर देन वन, ये हमने शो करना है कि जो हमारा रीजन हमने लिया है वो मोस्ट पावरफुल रीजन है. तो मोस्ट पावरफुल रीजन करने के लिए उसकी पावर आपको ग्रेटर प्रूव करनी है. मैंने एक रीजन लिया जिसका साइज उससे भी कम है, पर शो करेंगे कि पावर उसकी ज्यादा है. अब मैंने एक यहाँ पे सेट बनाया है ए सी बी. डब्ल्यू है जो हमारा क्रिटिकल रीजन, यूनियन ऑफ ए और सी है. W1 जो है यूनियन ऑफ B और C है. C एम्प्टी सेट है तो W और W1 आपस में डिसजॉइंट है. अब अल्फा वन अल्फा से छोटा है तो L0 की इंटीग्रेशन L0 से छोटी होगी रीजन के हिसाब से, क्योंकि अल्फा वन रीजन है W1, अल्फा रीजन है W. W1 का मतलब है B यूनियन C, W का मतलब है A यूनियन C. इसको तोड़ के लिख ला B प्लस C, A प्लस C. तो ये चीज कट गई आपस में, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गई एक. अब हमें पता है जो ए है डब्ल्यू का सबसेट है, और हमें इक्वेशन नंबर वन में ये दिया हुआ है एल वन अपॉन एल जीरो ग्रेटर देन के. पिछले पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए रीजन ए के हिसाब से. अब ये ए वाला रीजन बी से बड़ा है भाई, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो ये मेरी आठ नंबर क्वेश्चन आ गई है. ओके, इसको छोड़ दो यहीं पर. अब इक्वेशन नंबर दो लो. क्वेश्चन नंबर दो क्या है, एल वन एल जीरो के से छोटा है, तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन में है चल रहा है. तो यहाँ पे डब्ल्यू सी लगा लिया गया, इंटीग्रेशन लगाई गई, ठीक है. जब डब्ल्यू सी है तो वो डायग्राम में बी बी को डिनोट करता है. ओके, बी एल जीरो एल वन से छोटा है, ये हमने प्रूव किया, पीछे देख लीजिए दोनों तरफ. अब इस और इसमें दोनों तरफ ये चीज ऐड कर दो एल सी वन एल सी वन, तो ये बन गया बी यूनियन सी, ये बन गया ए यूनियन सी. वट इज दिस डब्ल्यू वन बी यूनियन सी, वट इज दिस डब्ल्यू. तो ये जो आपका क्या है, तो ये आ गया वन माइनस बीटा वन इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस बीटा, क्योंकि ये जो रीजन है डब्ल्यू बीट, ये एल वन का मतलब क्या है, पावर, तो यहाँ पे डिफाइन की गई है. ओके, और डब्ल्यू वन वाले में उसकी पावर वन माइनस बीटा वन हो जाएगी, हैज प्रूव्ड. ओके, बाय बाय.